हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटोनिम्स एमसीक्यू एक्सरसाइज यानी विलोम शब्द के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो इसमें सभी प्रश्नों में चार विकल्प दिया गया है, इनमें एक आपका सही है, वही आपको विलोम शब्द का ऑप्शन चुनना है। तो चलिए देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स यानी सही विलोम शब्द को चुनिए। पहला आपका ईवल, ईवील बोलते हैं इसको, इसका मतलब तो बुराई, तो हम लोग को इसका उल्टा निकालना है, अच्छाई। तो पहला ऑप्शन आपका गुडनेस, गुडनेस मतलब होता है अच्छाई, और बाकी जो आपका तीन ऑप्शन गलत है, तो इसका ही मतलब समझ लेते हैं। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, इवर मतलब होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है एल्डेस्ट, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो हमको इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सबसे छोटा, तो अब हो जाएगा यंगेस्ट, YOUNGEST, यंगेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, फॉल मतलब गिरना, और इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। बाकी जो मीनिंग वर्ड है इसका मैं आपको अर्थ बताते चलता हूँ, ताकि आपका मीनिंग वर्ड भी तैयार होता चले। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, तो इसका एंटोनिम्स होगा आपका प्रोत्साहित करना का क्या होता है, हतोत्साहित करना, मतलब कि डरा देना उसको, हतोत्साहित नर्वस कर देना, तो इसका हो जाएगा डिस्करेज, इनकरेज का हो जाएगा डिस्करेज। अब बाकी ऑप्शन इसका मतलब समझ लीजिए, हेट का मतलब होता है नफरत करना, लव नेवर मतलब होता है कभी नहीं, फेथफुल का मतलब होता है वफादार। चार नंबर क्वेश्चन है एवर, एवर मतलब का होता है सदैव, तो सदैव का एंटोनिम्स क्या होगा, कभी नहीं, तो एवर का हो जाएगा नेवर। बाकी जो ऑप्शन आपका डियर मतलब हिरन होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ऑलवेज मतलब हमेशा। पाँच नंबर क्वेश्चन आपका है फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है वफादार, और ये जो आपका है अनफेथफुल, अनफेथफुल मतलब कि जो गद्दार होता है, धोखेबाज होता है, उसका उल्टा, ठीक है, वफादार इसका गद्दार हो जाएगा। आगे है फाल, फाल मतलब गिरना, गुडनेस मतलब अच्छाई, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ठीक है। तो यानी पाँच का ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सिक्स नंबर का देखते हैं फेयर, फेयर मतलब होता है अच्छा, तो हमको बुरा चाहिए, ठीक है। तो ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, अनफेयर मतलब होता है मतलब कि बुरा होता है, अनफेयर मतलब अनुचित, ठीक है। यहाँ पे यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्स के बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और ये बंच है और गुड है, बंच मतलब गुच्छा होता है, और गुड मतलब, गुड मतलब अच्छा होता है, तो मेरा सिक्स का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे सेवन नंबर, फॉल मतलब होता है गिरना, FALL, फॉल मतलब गिरना, तो उठना हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, RISE। बाकी ऑप्शन है फेयर मतलब उचित, फैट मतलब मोटा, फैमिली मतलब परिवार। चलिए आठ नंबर देखते हैं फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा, तो इसका सच्चा होना चाहिए विलोम, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रू, ट्रू मतलब सच। और बाकी आपका है रॉन्ग मतलब गलत, मिस्टेक मतलब गलत, ठीक है, गलती, और ओमेन मतलब आपका औरत। तो ये सब आपका मीनिंग वर्ड दिया गया, मतलब कि इसमें करेक्ट चूज करना है, तो जो हम लोगों को सही है उसको सही चुन रहे हैं, बाकी जो आपका मीनिंग वर्ड है इसको आपकी जानकारी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं नाइन नंबर, FAR, फार मतलब होता है दूर, तो हमको चाहिए नज़दीक, तो नियर, NEAR, नियर मतलब नज़दीक होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, फ्यू मतलब कुछ होता है, और मैनी मतलब कई होता है, तो मेरा इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या है, नियर। टेन नंबर क्वेश्चन फैट, फैट मतलब होता है मोटा, हमको पतला चाहिए, इसका विलोम शब्द तो हो जाएगा थिन, THIN, थिन। बाकी जो ऑप्शन आपका है मैट मतलब चटाई, थिंक मतलब सोचना, बैड मतलब बुरा। इस तरह से जो MCQ हम लोग पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग तरीका से, और मीनिंग वर्ड ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है हम लोगों का। फार मतलब होता है के पक्ष में, ठीक है, फार मतलब के पक्ष में, और अगेंस्ट मतलब होता है के विरोध में, अगेंस्ट मतलब के विरोध में, तो इसका ऑप्शन 11 का सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपका है फॉर्चुनेट मतलब कि भाग्यशाली, हेट मतलब घृणा करना, नफरत करना, रॉन्ग मतलब गलत। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन फ्यू, FEW, फ्यू मतलब होता है कुछ, और मैनी मतलब होता है कई, क्योंकि हमको विलोम शब्द निकालना ही है सबका, सम मतलब कुछ होता है, ठीक है, लव मतलब प्यार, हेट मतलब नफरत, तो ये मेरा क्या होगा इसमें, फ्यू का मैनी हो जाएगा, 12 नंबर के डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर आपका है फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली, तो इसका चाहिए भाग्यहीन, मतलब जो भाग्य से हीन हो, तो इसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट, तो 13 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी इनका मतलब समझिए, दिल्ली आपका नाम है किसी का, शहर का, फाल मतलब गिरना, राज मतलब उठना। चलिए 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आपका हेट, हेट मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, तो हमको इसका एंटोनिम्स क्या होगा, लव। तो देखिए इसमें मैंने लव को मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे एल 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 नहीं रहेगा आपका, LOVE रहेगा केवल,
लव, लव मतलब प्यार करना होता है, और हेट मतलब नफरत करना। तो बाकी आपका जो ऑप्शन है, लाइफ मतलब जिंदगी होता है, स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।